स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्रतिबल विकृति वक्र। इस वीडियो में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझेंगे। आपको मालूम होगा जब किसी तार में स्ट्रेस लगाया जाता है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, यानी कि उसमें स्ट्रेन होता है। जब इस स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो इस ग्राफ को स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हमें किसी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करनी हो। स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व की स्टडी करते समय हमको इन 6 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी: प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, डक्टाइल पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट वो लिमिट होती है जहां तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है, यानी कि इस पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उस हिसाब से स्ट्रेन इंक्रीज होगा। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है कि इस लिमिट तक यदि हम लोड लगाते हैं तो बॉडी डिफॉर्म होगी और लोड वापस लेने के बाद बॉडी अपने पुराने शेप में लौट आएगी। और यदि हमने लोड को इलास्टिक लिमिट से ज्यादा लगा दिया तो बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, परमानेंटली शेप में आ जाती है और स्ट्रेस हटाने के बाद भी वो अपने ओरिजिनल शेप को प्राप्त नहीं कर पाती है। उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यील्ड पॉइंट, वो पॉइंट जिसके बियॉन्ड स्ट्रेस लगाने पर बॉडी का प्लास्टिक नेचर हो जाता है, यानी कि वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, उस पॉइंट को यील्ड पॉइंट कहते हैं और हिंदी में इसको पराभव बिंदु भी कहते हैं। डक्टाइल पॉइंट, डक्टाइल पॉइंट वो पॉइंट होता है कि यदि हमने स्ट्रेस इस पॉइंट से बियॉन्ड लगा दिया है तो उस ऑब्जेक्ट में क्रॉस सेक्शनल एरिया एकदम से पतला हो जाएगा, उस पॉइंट को बोलते हैं डक्टाइल पॉइंट, हिंदी में इसे तनय बिंदु भी कहते हैं। अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मटेरियल का वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट तक वो मटेरियल मैक्सिमम लोड को अल्टीमेट स्ट्रेंथ के साथ वहन कर सके, और यहां पर जो इलोंगेशन होगा वो इलोंगेशन भी मैक्सिमम होगा, यानी कि लार्जेस्ट पॉसिबल डिफॉर्मेशन, टूटने से पहले लार्जेस्ट पॉसिबल डिफॉर्मेशन होगा, उस पॉइंट को बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट या परम बिंदु। फिर पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट वो पॉइंट होता है कि इस पॉइंट के बाद यदि हम स्ट्रेस लगाते हैं तो बॉडी टूट जाएगी, फेलियर हो जाएगी, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी। अब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझते हैं। आपने एक तार लिया, उस तार को लटकाया और दूसरे सिरे में आपने लोड लगाया। लोड लगाने के बाद तार की लंबाई बढ़ेगी, स्ट्रेन होगा, उसको आप नोट कर लें। ग्रेजुअली धीमे धीमे हम लोड को बढ़ाएंगे और जिस हिसाब से तार की लंबाई बढ़ेगी उस लंबाई को हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक कर्व प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस में स्ट्रेन लेते हैं और वाई एक्सिस में स्ट्रेस लेते हैं। जिस तरह का कर्व आपको मिलेगा वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रीजन पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच में आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, यानी कि यहां पे हुक्स लॉ अप्लाई होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच में स्ट्रेस और स्ट्रेन ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन उसी हिसाब से बढ़ता है। रीजन ए से बी में स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा रहे हैं और स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, और लोड को रिमूव करने के बाद लेकिन बॉडी अपने पुराने शेप में लौट रही है, तो हम बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यानी इलास्टिक लिमिट तक हम लोड अप्लाई कर पाएंगे और लोड वापस लेने के बाद बॉडी पुराने शेप में लौट आएगी। यदि हमने लोड को इलास्टिक लिमिट से ज्यादा अप्लाई कर दिया है तो बॉडी पुराने शेप में नहीं लौटेगी और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो पॉइंट बी को हम लोग यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि लोड को
पॉइंट बी से भी ज्यादा कर दिया जाए तो थोड़ा सा लोड बढ़ाने पर, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ रहा है और इसको रीजन बी से डी तक दिखाया गया है। अब मान लीजिए इलास्टिक लिमिट बी के बाद हमने लोड बढ़ाया और लोड हमारा सी पे है और सी पे जाने के बाद हम लोड को वापस ले लेते हैं तो बॉडी फिर से पुराने शेप में नहीं लौटेगी जबकि वो एक परमानेंट शेप ले लेगी, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी। तो स्ट्रेस को जीरो करने के बाद भी स्ट्रेन जीरो नहीं हो रहा है, बॉडी ने एक परमानेंट शेप ले लिया, परमानेंट सेट ले लिया है और इसको बोला जाता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और परमानेंट सेट आप देख भी रहे हैं, एक्स एक्सिस पे आपको दिखाई दे रहा है। पॉइंट डी को हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेंथ कहते हैं या इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कहा जाता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस के बाद यदि थोड़ा सा भी हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो बॉडी टूट जाएगी, वहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगी और पॉइंट ई पे पहुंचेगी और पॉइंट ई को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। जब अल्टीमेट स्ट्रेंथ डी और फ्रैक्चर पॉइंट ई ये एक दूसरे के पास रहता है, यानी वो मटेरियल जिनके लिए पॉइंट डी और पॉइंट ई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट एक दूसरे के करीब रहते हैं, उन मटेरियल को बोला जाता है ब्रिटल मटेरियल। और इसके एग्जाम्पल है गिलास, कांच का गिलास या कांच। कांच को जब आप तोड़ेंगे तो थोड़े से फोर्स लगाने के बाद भी यह छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है तो हम कहेंगे कांच ब्रिटल है। वो मटेरियल जिनके लिए अल्टीमेट पॉइंट या अल्टीमेट स्ट्रेंथ डी और फ्रैक्चर पॉइंट ई, यानी कि पॉइंट डी और पॉइंट ई एक दूसरे से दूर होते हैं, उन मटेरियल को बोला जाता है डक्टाइल। इसके एग्जाम्पल मेटल्स होते हैं गोल्ड या सिल्वर। और ये जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, इन डक्टाइल मटेरियल से पतले तार भी बनाए जाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता, वो डिपेंड करता है मटेरियल यूज, हमने कौन सा मटेरियल यूज किया, उस मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। और हमको यह भी देखना पड़ता है कि क्या उस मटेरियल में इसके पहले डिफॉर्मेशन किया गया था या नहीं किया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। पहला टर्म है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि जिसके द्वारा विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स को वापस लेने के बाद बॉडी अपने पुराने शेप में लौट आती है, बॉडी की उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है कि यहां पर बॉडी के पास परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि फोर्स वापस लेने के बाद भी बॉडी पुराने शेप में नहीं लौट रही है, वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाती है, बॉडी की उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है प्लास्टिसिटी। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा उस मटेरियल से पतले तार बनाए जा सकते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर एल्यूमिनियम इनसे हम तार बना सकते हैं तो ये कहलाती है डक्टिलिटी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है या किसी बॉडी के द्वारा लगाया गया रेजिस्टेंस जो एक्सटर्नल लोड के अगेंस्ट लगता है वो उसकी स्ट्रेंथ कहलाता है। तो किसी बॉडी को हमें डिफॉर्म करना हो और डिफॉर्म करने के लिए हमें जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो बॉडी उतनी ज्यादा सामर्थ्य या उतनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल कहलाएगी। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब होता है परमानेंट डिस्टॉर्शन के बगैर बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। कांच छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, थोड़ा सा ही हम फोर्स लगाते हैं और कांच या कास्ट आयरन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटलनेस। टफनेस, टफनेस बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके द्वारा बॉडी प्लास्टिक और इलास्टिक डिफॉर्मेशन को विथस्टैंड करती है, यानी यदि हमको कोई बड़ा भारी स्ट्रक्चर बनाना हो या कोई मशीन बनानी हो तो ये उस मटेरियल का बनाना चाहिए जिसकी टफनेस बहुत ज्यादा हो, जो शॉक और वाइब्रेशन को विदस्टैंड कर सके। हार्डनेस, हार्डनेस और स्ट्रेंथ एक दूसरे के काफी करीबी होते हैं। हार्डनेस का मतलब होता है बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा बॉडी स्क्रैच एबरेशन या पेनिट्रेशन का विरोध करती है, बॉडी की उस प्रॉपर्टी को हार्डनेस कहा जाता है।
स्टिफनेस या रिजिडिटी, बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा वो अपने अंदर किसी भी तरह की डिफ्लेक्शन को रेजिस्ट करती है, उसका विरोध करती है, वो कहलाती है रिजिडिटी। यानी स्टील को हम कहेंगे जो वो ज्यादा स्टिफर है रादर देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आराम से डिफॉर्म हो जाता है, स्टील में की डिफॉर्मेशन में हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स लगाना पड़ता है, तो हम कहेंगे स्टील जो है वो ज्यादा स्टिफर है और एल्यूमिनियम कम स्टिफर है। इलास्टिक हिस्टेरियस, जब बॉडी में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए जाते हैं तो बॉडी में स्ट्रेन पैदा होगा। कुछ समय के बाद आप देखेंगे जितना स्ट्रेस आप लगा रहे हैं उतना स्ट्रेन पैदा नहीं हो रहा, यानी कि स्ट्रेन स्ट्रेस के पीछे चल रहा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो अंतर आता है इस अंतर को इलास्टिक हिस्टेरियस कहा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, किसी भी मटेरियल की ब्रिटलनेस या डक्टाइलनेस को पता लगाने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज किया जाता है। किसी भी मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज करते हैं। इसी तरीके से यदि हमको यंग्स मॉडुलस पता लगाना हो तो वहां पर भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज किया जाता है। कोई स्ट्रक्चर कितना लोड ले सकती है वह पता लगाने के लिए भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखा। यदि आपके कोई डाउट्स हो या क्लैरिफिकेशन हो तो स्क्रीन पर दिख रहा ईमेल के थ्रू कॉन्टेक्ट करें। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।